अच्छे से जानते हैं कि अपने पास में कोई भी, अगर अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके अंदर कोई भी एक एंगल गिवन है, कोई भी एंगल गिवन है चाहे, उस एंगल को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एनी मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड प्लस माइनस थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है वाली बात बेटा? कोई भी जो एंगल है उसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये जो भी n है, इस n पे कंडीशन होगी, n पे दो कंडीशन होगी, या तो ये n कैसा होगा, इवन इंटीजर होगा, या फिर ये n कैसा होगा, ऑड इंटीजर। ये वाली बात, n या तो इवन इंटीजर होगा या फिर ऑड इंटीजर। तो n पे दो कंडीशन, इवन इंटीजर और या फिर n कैसा होगा बेटा, ऑड इंटीजर। क्लियर है वाली बात बेटा? तो अगर इवन इंटीजर होगा, अगर कैसा हुआ एन, अगर इवन इंटीजर होगा तो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। दैट मींस अगर अपने पास साइन गिवन है तो साइन साइन ही रहेगा, अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है तो कॉस कॉस ही रहेगा, टेन जो है वो टेन ही रहेगा, टेन इज है ना, ऑल आर सेम, ये कॉट है तो कॉट कॉट ही रह जाएगा, है ना। अगर अपने पास sec given है तो sec sec ही रहेगा, और अगर अपने पास cosec given है तो cosec। क्लियर है वाली बात? सिमिलर अगर यहाँ पे n odd हुआ, मतलब 90 into 1 हुआ या 90 into 3, 90 into 5, 90 into 7, इस टाइप की कंडीशन अगर अपने पास में गिवन होगी तो उस केस में साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ cos, एंड cos इज कन्वर्टेड इंटू साइन, tan इज कन्वर्टेड इंटू cot, and cot is changed in tan. Similar, sec जो है वो क्या हो जाएगा, convert हो जाएगा cosec में, and cosec convert हो जाएगा अपने पास sec। ठीक है? तो अपन first of all जब भी trigonometric ratio के अंदर अपने पास जो भी angle given है उसको अपन क्या लिखेंगे, उस angle को 90 का multiple बनाएंगे अपन, any multiple of 90, और plus minus उसमें क्या कर देंगे something कुछ theta, इस वाली फॉर्म में देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस वाले n को चेक करेंगे कि 90 का कौन सा मल्टीपल लिखा है अपन, इज दैट इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल ऑब्जर्व किया अपन ने तो इवन मल्टीपल के केस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो सेम रह जाएगा, और अगर ऑड इंटीजर हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस टाइप से चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, sec cosec हो जाएगा, और cosec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक आने क्लियर हुई क्या बेटा अच्छे से? Yes sir। Okay। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे कैसे चीजें होंगी कन्वर्ट अपने पास, वो देखेंगे अभी अपन। पहले नोट डाउन करो जल्दी से। सर हो गया। Okay। ये कन्वर्जन होने के बाद, ये कन्वर्ट होने के बाद अपने पास में सीधे सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे कन्वर्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, और उसके साथ ये वाला जो भी एंगल थीटा अपने पास गिवन होगा वो एंगल आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि यहाँ पे जो भी 90 into n प्लस या माइनस थीटा होते ही ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ओरिजिनल रेशियो गिवन था, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच, ठीक है ना, मान लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर पहुंच रहा था, उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसी थी, इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव, वही साइन क्या हो जाएगा उसके आगे अपन अप्लाई कर। जैसे कि अपन एक वैल्यू देखते हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ मिल गया अपने को, फॉर एग्जाम्पल अपने पास लिखा हुआ मिल गया साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, किसने पूछ लिया अपने से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 120 डिग्री को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना, 90 का कौन सा मल्टीपल लिख सकता हूं बेटा मैं, 90 into 1 plus 30 कितना हो जाएगा 1, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, और या फिर मैं इसको कैसा लिख सकता था बेटा, साइन ऑफ 90 into कितना 2 एंड माइनस हो जाएगा उसमें कितना 60 डिग्री। याद तक कहानी क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, तो अब इसमें अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे कि अगर अपन 90 प्लस 30 कितना हो रहा है 120, और 90 into 2 माइनस
60 मतलब 180 माइनस 60 भी कितना हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही बातें लिखना अपने लिए करेक्ट है, सही है बेटा। ओके फर्स्ट इसमें अपन बात करते हैं साइन ऑफ 90 प्लस अगर अपन ने 30 किया है तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे बेटा 90 का कौन सा मल्टीपल है यहाँ पे ऑड, दैट इज ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है तो साइन जो है वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, तो ये तो इवन के लिए था और ये ऑड के लिए था, तो अगर ऑड होगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा cos में, cos के अंदर। चलिए भाई तो अगर अपन बात कर रहे हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 में अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें ये साइन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos में कन्वर्ट हो जाएगा और cos के साथ ये जो भी एंगल होगा वो एंगल आ जाएगा, क्लियर है वाली बात। अब बात आई अपने पास किसकी साइन की, इसके आगे जो भी साइन है वो कौन सा लगेगा है ना, ये जो भी cos 30 आया है इसके आगे साइन जो है ना साइन कन्वेंशन है वो किस टाइप से आएगा, तो देखिए भाई साइन हो रहा है साइन जो है तो वो क्या हो रहा है 90 प्लस समथिंग कुछ एंगल हो रहा है 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा होते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा बेटा 90 प्लस थीटा, तो 90 अपने को अच्छे से पता है कि 90 अपना ये वाला लाइन अपना 90 है और 90 में प्लस थीटा होते ही मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा तो इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसके आगे जो भी साइन लगेगा वो कैसा रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन तो अप्लाई करो चाहे नहीं करो बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है cos 30 डिग्री कैसा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। आ रही है क्या बात समझो बेटा अच्छे से, तो इसका मतलब इसका वैल्यू cos ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा That is root 3 by. That means sine of 120 degree की value की अगर अपन बात करें तो वो value कितना होगा root 3 by 2. Clear है बेटा ये? Okay. Yes, sir. Similar. Next इसकी बात कर लेते हैं भाई. इसमें अपने पास क्या लिखा हुआ है sine of 90 into 2 और क्या लिखा हुआ भाई minus 60 degree. ठीक है भाई साहब. 90 का कौन सा मल्टीपल है ये, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है बेटा जल्दी से बताओ, इवन, इवन मल्टीपल है, अगर इवन मल्टीपल होगा, अगर इवन मल्टीपल होगा तो साइन किस में चेंज होगा, साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा भी क्योंकि इवन होगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा। ओके तो ये आ गया अपने पास साइन और यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा कितना हो रहा है अपने पास 60 डिग्री, क्लियर है बेटा ये वाली बात। Yes, sir. Okay. अब यहाँ पे देखिए साइन जो है साइन ये 180 माइनस 60 डिग्री हो रहा है, साइन 180 माइनस 60, अब 180 माइनस 60 की अगर अपन बात करेंगे तो ये रही ये 180 वाली लाइन है बेटा और 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा करते कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, लिया जाएगा तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हुआ साइन 60 कितना रूट 3 बाय 2, इसका मतलब यहां से भी तो देखो स्केमेटिक 30 डिग्री कितना आ रहा है रूट 3 बाय 2 यार, क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से, किसी को कोई डाउट, नो सर जल्दी से नोट डाउन करो। मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर देना जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस जो भी अटेंड नहीं किया बेटा इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना तो मैं यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और उसके अलावा वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो तो वो इस पे मैसेज करके कोई भी किसी भी टाइप का मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो जरूरी नहीं है कि जो क्लासेस चल रही है इसी के रिगार्डिंग हो, उससे पहले का 10th क्लास का 11th का 12th का जेई से रिलेटेड जो भी अपने डाउट्स हैं वो तुम इस नंबर पे सेंड कर सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो चाहे है ना वो कभी भी सेंड कर सकते हो। ओके और YouTube चैनल का लिंक जो है वो भी इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर मुझे YouTube चैनल का लिंक चाहिए, तो वहां पे अपने जितने भी जो क्लासेस हो रही हैं उनके जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल होंगी तो वहां से तुम कभी भी उनको देख सकते हो ना, जैसे कई बार अपना नेटवर्क जो है वो सही से नहीं चल पा रहा होता है ना, तो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग अगर किसी के पास अवेलेबल हो मतलब उस चैनल पे अपने पास अवेलेबल होगी तो अपने लिए इजी रहेगा, है ना।
कि वहां पे अपन चेक कर सके। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके तो अब अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के जितने भी एंगल्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ओके तो देखिए भाई अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए भाई 90 कैसा है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है बेटा? ऑड। 90 इनटू 1 मतलब ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बेटा? cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा बेटा? 90 माइनस थीटा होते कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हर बार। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव ही तो होते हैं, यस और नो? ओके सिमिलर अगर मैं बात करूं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, क्योंकि 90 का कैसा मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है बेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है? दैट इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलर tan of 90 minus theta that is cot theta. Similar cot of 90 minus theta क्या हो जाएगा बेटा जी? Cot of 90 minus theta that is tan theta. Similar sec of 90 minus theta that is cosec theta. And cosec of 90 minus theta कैसा हो जाएगा बेटा अपना? Sec theta. क्लियर है वाली बात? फॉर एग्जाम्पल टेन ऑफ 75 डिग्री या फिर टेन ऑफ 30 डिग्री को अपन कैसा लिख सकते हैं बेटा? टेन ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? कॉट ऑफ 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो तभी तो अपन बोल रहे थे कि यहाँ पे 0 डिग्री लिखा था अपन ने, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस थीटा इसी रूल के अकॉर्डिंग तो अपन कह रहे थे कि साइन की ये जो भी वैल्यूज है कोस की वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती है? इसकी उल्टी हो जाती है। तो अपने को यही तो पता था ना कि 0 डिग्री है वो 90 डिग्री के में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 डिग्री 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 प्लस 45 का क्या हो जाएगा? सेम ही रह जाएगा। क्लियर हुआ है ये बेटा अच्छे से? यस सर। ओके आया समझ में बेटा अच्छे से? बड़े आगे बेटा? यस सर। ओके चलिए भाई उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं। सेकंड इज 90 प्लस थीटा। ओके तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो 90 आया, 90 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 इनटू 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए भाई साहब कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब अपन देखना चाह रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा होते ही साइन कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच रहा है बेटा? सेकंड। दैट इज बिलोंगिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा को अपन हमेशा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। ओके अच्छी बात है भाई। सिमिलर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा की अपन बात करें तो ऑड मल्टीपल है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। ये लीजिए भाई साहब साइन ऑफ थीटा हो गया। अब कोस जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस थीटा कोस बिलोंग जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
दैट इज नेगेटिव 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 साइन लग जाएगा. सिमिलर बाकी सब में भी अपन ऐसी बात कर सकते हैं. टेन ऑफ 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा क्वार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब. 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सिमिलर अगर अपन बात करें क्वार्ट ऑफ 90 प्लस थीटा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10 थीटा हो जाएगा. सेक ऑफ 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस ऑफ कोसेक थीटा. कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा क्योंकि cosec 90 मतलब odd multiple है तो ये sec में convert हो जाएगा बेटा. और ये positive होगा या negative होगा उसकी अगर अपन बात करें तो cosec 90 plus थीटा cosec जा रहा है कौन से quadrant में second quadrant में तो cosec second quadrant पे कैसा होता है positive होता है. clear है वाली बात बेटा अच्छे से. yes sir. okay तो अब तुम्हारे पास homework ही है कि तुम ऐसे ही जैसे 90 प्लस माइनस थीटा के देखे हैं ऐसे ही 180 प्लस माइनस थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो है वो फाइंड आउट करोगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन के साथ थीटा आएगा है ना. सिमिलर 270 प्लस माइनस थीटा के लिखोगे सारे और सिमिलर 360 प्लस माइनस थीटा के सारे लिखोगे. क्लियर है वाली बात बेटा जी. yes, sir. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड आउट करोगे है ना 180 प्लस माइनस थीटा के लिए 270 प्लस माइनस थीटा के लिए और 360 प्लस माइनस थीटा. ओके बेटा. यस सर. बेटा शुभम गिरधारी कोमल सोया श्रिया हिमांशु क्या कर रहे हो बेटा. आ गया सर. ओके किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा. नो सर. नो सर. ओके चलिए. ओके हो गया नोट डाउन ये. यस सर. ओके चलिए बेटा जी तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखो मस्त रहो व्यस्त रहो बढ़िया से पढ़ाई करो बेटा. ओके सर. सर मस्त रहो व्यस्त रहो तो सुनाई दिया उसके बाद ये जो पढ़ाई करो ये सुनाई नहीं दिया नहीं ऐसा तो नहीं है. नो सर. ओके चलिए बाय बेटा. बाय सर.